अगर आप उन यूजर्स में से हैं जो लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं कि अपना आधार कार्ड अपडेट कराना है लेकिन ये काम नहीं कराया है, तो ये काम तुरंत से कर लें क्योंकि ये सर्विस अभी के लिए फ्री ऑफर की जा रही है। अच्छी खबर ये है कि 14 जून 2024 तक आप फ्री में अपने आधार कार्ड को अपडेट करा सकते हैं। हालांकि जो डेडलाइन है ये लास्ट 14 मार्च 2024 थी, जिसे एक्सटेंड कर दिया गया है अब 14 जून तक। तो 14 जून के बाद अगर आप अपना 10 साल पुराना आधार कार्ड अपडेट कराएंगे तो उसके लिए आपको एडिशनली चार्ज देना होगा। तो अगर आप उन यूजर्स में से हैं जिन्होंने 10 साल तक अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं कराया है या 10 साल पुराने आधार कार्ड को अपडेट कराना चाहते हैं फ्री में, इसके लिए आप कोई चार्ज नहीं देना चाहते, तो ये काम आज तुरंत ही कर लीजिए या 14 जून से पहले कर लीजिए। तो उसमें अच्छी चीज़ ये भी है कि इसके लिए आपको आधार सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप घर बैठे भी ये काम कर सकते हैं। तो मैं आपको एक प्रोसेस बता देती हूँ जिससे इजीली आप घर बैठे ही फ्री में अपने आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन मिलेगा माय आधार का। माय आधार पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको आधार कार्ड अपडेट का ऑप्शन मिलेगा और इसी के नीचे एक ऑप्शन होता है डॉक्यूमेंट अपडेट का। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए जाएंगे। इसके साथ ही पहले आपको अपनी जो डिटेल्स हैं वो फिल करनी है, जैसे आपको अपना फ़ोन नंबर रजिस्टर करना होगा जो आपके आधार से लिंक्ड है, आपको अपना आधार नंबर बताना होगा। इसके बाद वहाँ पे जो कैप्चा कोड है वो आपको फिल करना होगा, आपको लॉगिन करना होगा। तो आपके फ़ोन पे OTP आएगा, उसे रजिस्टर करके आप लॉगिन कर पाएंगे। इसके बाद एक जो नया पेज खुलेगा यहाँ पे, वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपडेट करना चाहते हैं, जैसे एड्रेस, नेम, डेट ऑफ बर्थ, इन तरीके के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सबमिट करने होंगे और जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो आपको वहाँ विजिबल होगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फिल कर लेने हैं। उसके बाद जो भी प्रोसेस है वो आपको पूरा करना है। सो ये प्रोसेस फिल करने के बाद एक SRN नंबर जनरेट होगा, जिसके बाद इस नंबर से आप ये ट्रैक कर पाएंगे कि आपका आधार अपडेट जो है वो कितने दिन में होगा या कब तक आपका आधार अपडेट हो पाएगा और कब तक आपको अपना आधार कार्ड अपडेटेड मिल जाएगा। तो मैक्स टू मैक्स 7 दिन तक का टाइम लगता है आधार कार्ड अपडेट होने में, तो 7 दिन के बाद आपको अपना अपडेटेड आधार कार्ड मिल जाएगा। सो बहुत ही आसान प्रोसेस है। इसके लिए बस आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो रेडी रखने होंगे, आपका जो करंट आधार है, आपका एड्रेस ID प्रूफ हो सकता है और आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है। तो इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रेडी रखने होंगे। तो अब इसके लिए मैंने जैसे बताया, आधार सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है, लंबी लंबी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, ये काम घर बैठे भी किया जा सकता है। तो बस अभी तक आपने आधार अपडेट नहीं किया है, आपका बहुत पुराना अपडेट या आपका बहुत पुराना आधार है, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कभी सर्विस फ्री होगी, कब हम इसको यूज़ कर पाएंगे, तो ये अभी अच्छा टाइम है। जून से पहले आप अपना आधार अपडेट कर लें और अपने आसपास के जो लोग हैं, फैमिली मेंबर्स, कलीग्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, उन्हें इसके बारे में ज़रूर अवेयर करें। साथ ही उनको बताएं कि 14 जून से पहले अपने आधार कार्ड को अपडेट कर लें। और आधार अपडेट से रिलेटेड कोई भी और क्वेरी आपके पास है, जिसका सजेशन आपको चाहिए, हेल्प चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, तो वो क्वेरी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इन्हीं तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।